हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के जो फ्यूचर से वो यहाँ पर करेंटली मार्केट में जिस तरह ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर कौन सा प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल गैस के अंदर एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम जो है गैप अप ओपनिंग जो है देखने को मिली है। मोटा मोटी इस तरह की सिचुएशन में जब कभी भी इस तरह का प्राइस मोमेंटम आता है तो यहाँ पर एक अपसाइड का प्राइस लेवल बनता है जो यहाँ पर हमें जो है मोटा मोटी देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर समझ लीजिए नई ट्रेड पोजीशन बनाने के लिए भी लॉन्ग पोजीशन के लिए जो सबसे अच्छा लेवल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 237 का। अबाउट दैट प्राइस लेवल अगर यहाँ पर कैंडल जाएगी तो लॉन्ग पोजीशन के लिए बेहतरीन लेवल रहेगा। हालांकि यहाँ पर अभी तक जो है इतना बड़ा जो गैप है वो अभी तक फिलहाल कवर होना बाकी है। तो यहाँ पर कोई नई ट्रेड पोजीशन बनाने के लिए भी अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जितना गैप जो यहाँ पर फिल होना बाकी है ये भी जो है जल्द देखने को मिल सके, कंप्लीट हो सकता है। बट यहाँ पर फिर भी फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर मोटा मोटी यहाँ पर कॉन्सोलिडेट थोड़ा बहुत जो है डाउन साइड के अंदर अपसाइड के अंदर मोमेंटम यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो बिलो द प्राइस ऑफ 229 के नीचे या फिर एक अच्छा खासा यहाँ पर हम फिर से वेट कर सकते हैं कि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टेबल रहकर अगर यहाँ पर फिर से जो है अगर गिरावट आना स्टार्ट करती है इस तरह से तो यहाँ पर हम जो है इस तरह के प्राइस मोमेंटम पे शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से मददगार रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।